हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जैसे हमें एक एडिटिंग वीडियो ऐप एडिटिंग के माध्यम से हम किसी भी तरीके के हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके के ऑडियो आते हैं और उसमें तरह तरह के वॉइस रिकॉर्डिंग आते हैं और उसमें कुछ म्यूजिकल भी आते हैं। तो जब आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें वीडियो को कभी कभी एक साथ में भी देखते हैं चलते समय, या कभी कभी देखते हैं कि हमारा एक्शन पहले ही हो जाता है और हमारे वीडियो जो रहता है उस एक्शन का जो आवाज़ होती है, उस एक्शन की आवाज़ जो होती है बाद में आती है। तो उसी तरीके से मैं आप सभी को कुछ बताने वाला हूँ, एक ऐसे ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी को उस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह के तरीके से हम अपने वीडियो में ऑडियो सेटिंग कर सकते हैं। चलिए, हम अपने काइंड मास्टर ऐप के द्वारा हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपका हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर काइंड मास्टर। काइंड मास्टर ऐप में जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारा दो तरीके का इस तरह से आता है ऑप्शन, और ये ऑप्शन आने के बाद हम फर्स्ट क्लिक करेंगे असिस्टेंट प्रोजेक्ट पे। इसके बाद करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह का हमारा कुछ प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल ओपन होने के बाद हमारे ये जितने भी फाइल हैं इसमें से हम कोई भी एक वीडियो चॉइस कर लेते हैं। तो चॉइस करने का मतलब कि हम जैसे हम ले लेते हैं कोई भी, हम व्हाट्सएप स्टेटस से ही हम एक वीडियो कोई भी ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे वीडियोस हैं और हम इस वीडियो से हम किसी भी तरीके का एक वीडियो हम ले लेते हैं और उसी को हम एडिट करेंगे। एडिट करने से क्या फ़ायदा होगा कि जब हम आपको जब किसी चीज़ को आप एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तो आप सभी को उसके बारे में समझ में आ जाता है। तो चलिए, हम इस वीडियो को हम कोई भी इसमें से हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं और उसमें वीडियोस ले लेते हैं और उसमें से हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एडिट करेंगे। देखते हैं, हम कुछ इस तरीके के हम वीडियो अपने सेलेक्ट कर लिए हैं और हम इसको हम इस तरह से नेक्स्ट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट जब हम करते चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा कुछ इस तरीके से ऑडियो वगैरह सब आ जाता है। देखिए, हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से आया है। अब हम इसको आपको एक बार प्ले करके दिखाते हैं। हमारा वीडियो कुछ इस तरह से हमारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन करना है तो इस वीडियो को आप बड़ा कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ क्रॉप पे जाएँ, क्रॉप कर जाने पर इस तरह से कुछ इसको बड़ा कर लेंगे, इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। और बड़ा करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए हमारा किस तरह से वीडियो चलता है। अभी इतना बड़ा हो गया, इस तरह से हमें कुछ चल रहा है। इस तरह से चलने के बाद हम क्या करेंगे इस वीडियो में कि हम सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर आपको एक वीडियो ना पसंद हो तो आपको दूसरी भी मैं एक वीडियो ऐड करके हम बता देते हैं। एक छोटी सी एक वीडियो और इसमें ऐड कर लेते हैं कि आप सभी को और भी बढ़िया से आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम एक वीडियो और ले लेते हैं, कोई भी यहीं से हम ले लेते हैं और आप सभी को हम फुल वीडियो बताते हैं इस तरीके से। देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से फुल वीडियो आ गया। देखिए, इस तरीके से हमारा कुछ फुल वीडियो है। इसको भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ हमारा इस तरीके से इसमें हमारा कुछ इसमें वीडियो आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हमारे जब इस तरह से आ रहा है तो अगर हमें इस वीडियो को ऑडियो हमें देखिए, जैसे इसमें हमारा बज रहा है, अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको हम प्ले करके बता देते हैं आप सभी को। इस तरीके से बज रहे हैं, अभी हमें इस वीडियो को आवाज़ अलग करना है और इसमें दूसरा सॉन्ग डालना है, तो हम उसको सॉन्ग डालकर हम बता देते हैं। जैसे हम इसको कर लिए, अब हम इस पर क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह से आ रहा है, तो हम इस साउंड को क्या करेंगे, अगर हम चाहेंगे तो हम इसको ऑफ कर देंगे। यहाँ के साउंड से हम इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा जब भी बजेगा तो हमारा साउंड नहीं आएगा। देखिए, ये चलेगा और इस भी एक्शन भी होगा लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आएगा। अगर आप इसमें चाहेंगे दूसरा भी इसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे ऑडियो पे, ऑडियो पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी आप एल्बम से आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं।
देखिए इतने सारे सॉन्ग्स हैं, आप इसमें से कोई भी ऑडियो इस तरह से कर इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आप सबको बता देते हैं, देखिए देखिए हमारा कुछ इस तरह से गाना हमारा चल रहा है और हमारा इस तरह से अलग इसमें सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। देखिए पूरा हमारा चलेगा ऐसे, देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा सॉन्ग इसमें चल रहा है। अगर आप सभी को इस तरह से पसंद हो तो आप इस तरह से इजी तरीके से आप इसमें वीडियो को अपने जो मेन पार्ट है उस पार्ट को हटा के दूसरे पार्ट को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए हम इसमें इसकी वॉइस नहीं निकालते तो इसमें इसकी ओरिजिनल आवाज़ आ रही है। इसको भी हम ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे भी हमारा इसकी भी आवाज़ इस तरह से कुछ दिखेगा। देखिए हम इसमें भी हम आप सभी को दिखा देते हैं, देखिए अब इसमें इसकी आवाज़ हम क्या किए हैं ऑफ कर दें, इस तरह से हमारा कुछ इसमें ऑफ और ऑन होता है। तो और आप सभी इस तरह से ये सेटिंग जान गए। अभी आज आप इसके बैकग्राउंड करना है, ट्रिम करना है, कट करना है, क्या करना है, तो आप इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें जो दिया है हम उसी कर रहे हैं, वॉल्यूम का है, वॉल्यूम इफेक्ट का है। देखिए हम इसमें भी हम कई टाइप के हम इसमें कम बेसी ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा कुछ चलता है और इसमें भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी स्पीड दिया है, कौन सी स्पीड से चलना है, कौन सी स्पीड से नहीं चलना है, तो ये सारी सब दिया है, इस तरीके से हम कर सकते हैं सेटिंग। देखिए ये सारी सेटिंग पूरी दी हुई है और आप इस सेटिंग के माध्यम से कुछ भी इसमें कर सकते हैं सिंपली तरीके से। देखिए और आपको सेटिंग जानना है तो आपको मैं ये भी सेटिंग बताया, साउंड पे जाएंगे, साउंड पे जाने के बाद यहाँ से कम बेसी राइट लेफ्ट करना है और इसको कंप्रेस भी कर सकते हो, आप इसको इस तरह से भी कुछ कर सकते हो। देखिए कैसा बज रहा है, देखिए कुछ अलग टाइप का कुछ आपको मालूम पड़ रहा होगा, इस तरह से आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कर अपने वॉइस की सेटिंग कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त, धन्यवाद।